नमस्कार भक्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, माता रानी के पवित्र नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में आप कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जो कि न केवल माता रानी का आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे बल्कि आपका सोया भाग्य भी जगेगा। वो क्या काम है, आइए आज के वीडियो में बताती हूँ। आपको नवरात्रों में क्या करना है कि जिस दिन नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जिस दिन आप कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे नवरात्र से संबंधित, उससे पूर्व आपको अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर ब्रह्मांड को निहारते हुए, आकाश को निहारते हुए, प्रकृति को निहारते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे माता रानी, आप मेरे घर में प्रवेश करिए। हे माता रानी, हमारे दुख दर्दों को दूर करिए। हे माता रानी, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमारे नवरात्रों को स्वीकार कीजिए। बस इतना सा ही बोलना है और आप देखिएगा एक चमत्कारिक परिवर्तन आप अपने भीतर महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी परमात्मा के प्रति, किसी भी इष्ट देव के प्रति, किसी भी आराध्य के प्रति जब अपने श्रद्धा भाव अभिव्यक्त करते हैं तो ये भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें भक्त अपना आत्मनिवेदन करता है, वो उस परमात्मा को अपनी भक्ति समर्पित करता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए ही नवरात्रे करते हैं और फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका कारण ये है कि आपने अपनी श्रद्धा को कितना व्यक्त किया। परमात्मा सिर्फ आपकी भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं। महंगे चढ़ावे, महंगे प्रसाद से परमात्मा खुश नहीं होते बल्कि आपकी भक्ति भावना से ही खुश होते हैं। तो नवरात्रों में अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर माता रानी का भव्य स्वागत कीजिए और वो स्वागत है आपके अंतर मन की शुद्धि प्रक्रिया, अंतर मन से माता रानी को प्रणाम करने का भाव। जब ये फीलिंग आप अपने भीतर लाएंगे तो निश्चित रूप से माता रानी आपके घर में आएंगी और आपके दुख दर्दों को दूर करेंगी, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी।